दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से एक एनडीए का छात्र लापता है। दोस्तों ये लड़का उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ग्रेटर नोएडा पढ़ने आया था और एनडीए की तैयारी कर रहा था। आइए देखते हैं पूरा वीडियो कि आखिर मामला क्या है। बेटा जो दिग्विजय है वो लापता है, तो उस संदर्भ में आपने एक एप्लीकेशन दे दी थाने में, तो जो हमारे पास भी सूचना मिली है कि आपका बेटा लापता है, तो क्या है पूरा मामला हम जानना चाहते हैं आपसे एक बार। सर वो कोचिंग के लिए आया था यहाँ दिल्ली। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, 22 तारीख में मैं उसे छोड़ कर गया था, कमरा दिलवाया भी था, गामा सेकंड में। ठीक है ठीक है। नहीं, वो 2 दिन कोचिंग आया, और जब 26 में उसका पता चला, शाम को चला मुझे पता कि वो यहाँ से लापता हो गया है जी। इस बीच हमने कठिन कार्रवाई भी करी, पर कोई हमें साथ देने को तैयार नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। नहीं, आपका बेटा यहाँ पर कब आया था? 22 तारीख में छोड़ गए हम। अच्छा, और लापता कब हुआ बेटा आपका ये? 26 तारीख। 26 तारीख में लगभग 12 बजे लग गए। तो यहाँ पर ही अकेले रहते हो साथ में कोई और भी है इसके? एक इसका फ्रेंड है कुणाल। क्या नाम है उसका? कुणाल मागट। कहाँ का है लड़का वो? मैम दीश। बेटा का नाम क्या है उसका? पवन। अच्छा, तो आपने इस संदर्भ में कहीं पर एप्लीकेशन वगैरह, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है अपने यहाँ पर? किसी थाने में एप्लीकेशन दी है आपने? थाने में दी थी। कौन से थाने में दी है आपने? बेटा, तो क्या कार्रवाई की उन लोगों ने, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो तो सब बस फुटेज दिखाते हैं बाद में कोई वो नहीं करता। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? हमारा बेटा लापता है, हमारा बच्चा लापता है, तो जवाब कौन देगा इस बात का? भाई गामा 2 से या बीटा 2 से लापता होगा तो थाना जो पड़ता है हमारे एरिया का बीटा 2, तो जा देना पड़ेगा ना थाने को। हमें तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा साहब, उनसे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बच्चे ये कोई लड़ाई थी किसी से? कौन से कोचिंग में पढ़ना था बच्चा ये? किसमें? AKS कर्नल एकेडमी। आपको ने बच्चे की? मैं वो मामा का लड़का है। मामा का लड़का है, तो आपको कब पता चला कि हमारा भाई या दोस्त लापता है? असल में 26 तारीख को भाई का, मेरा बड़ा भाई है जो पढ़ता है, तो उससे मुझे पता चला, उसने बताया कि यार फोटो ऐसे ऐसा हुआ है भाई कि जो दिग्विजय है यहाँ कोचिंग करने आया था तो वो लापता हो गया। कुणाल बता रहा है मुझे एकदम बहुत। नहीं, आप लोगों को कब पता चला कि हमारा बेटा घर पे नहीं पहुंचा है या लापता है? तुम्हें कब पता चला इस बात का? 26 को पता चला गया। कितने बजे लगभग? 26 शाम को लगभग 7-8 बजे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन कब दिए थाने में? एप्लीकेशन सर उसी रात को भैया ने लगा दी थी आके, और फिर उसके बाद कोई कार्रवाई, जैसे हम अगले सुबह आए थाने गए। हाँ, तो मतलब कि एक तरीके से होता है सीरियसली लेना, वो नहीं दिया गया अभी तक भी। कार्रवाई के नाम पे एक कहते ना झूठा आश्वासन देना, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। सर गांव से है इसलिए अधिकारियों को भी नहीं पता कि किधर जाना है, कैसे, रास्तों का भी नहीं पता है हम लोगों को। सर जो भी है भाई आए हुए हैं जो नोएडा रहते हैं, वो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, जैसे अनजान व्यक्ति, जैसे सर आप आ गए, आपने बता दिया कि आपकी हेल्प नहीं हो रही है तो वहाँ पे जाओ। सर बस ऐसे ही बता रहे हैं सर, तो वहीं पहुँच जाते हैं हम लोग। तो आप कहाँ ढूंढोगे बच्चों को भाई? जब यहाँ से बच्चा लापता है तो आप कैसे ढूंढोगे भाई उसे? भाई ये काम तो सरकार का है, पुलिस का है ना। अब सर जब सर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वे बोलते हैं कि फोन करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ 2-3 घंटे लगेंगे हमको, हम आ रहे हैं CCTV कैमरे चेक करना। एक CCTV कैमरे के नाम पे बस वही आराम से बैठते हैं, आराम से कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। सर दोस्त जब कहीं जाते हैं, कोई डांटता है, कोई मारता है, ये कहता है यहाँ की धुलाई कौन करेगा, यहाँ की ये कौन करेगा। हम अच्छे भी इतने परेशान है, लेकिन कोई हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, हम जगह जगह जा रहे हैं। सर अंकल की तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, और हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। बेटा मिल जाए। अरे मामा तुम टेंशन मत लो यार, थोड़ा ये है ना यार भाई, जिसका जिसका बेटा जाता है ना उसी को पता चलता है, और सब खाना पूरी करते हैं कि यार बस एक आई तहिर आई खाना पूरी करी। जिस कोचिंग में छोटा बच्चा तुम्हारा पढ़ा रहा था वहाँ पर आपने बातचीत की उन लोगों से? सर बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है सर, कोई वो टाइम टेबल बना है कि 10 बजे से आना है बच्चों को या कुछ नहीं है। शुरू में ग्रुप में आता था कि हाँ भाई आज इतने बजे से कोचिंग होनी है, तो मैंने कहा भाई ऐसी कोचिंग में क्यों चलवा दिया आप? मामा से बोला मैंने, और उनसे भी बोला भाई से कुणाल जो पढ़ते हैं, अब क्या करें। नहीं, कभी बच्चे ने कभी कुछ बताया होगा कि भाई मुझे यहाँ कोई परेशान कर रहा है, फ्लैट मालिक या बिल्डिंग मालिक या कोई आसपास क्षेत्रीय आदमी जो उसे परेशान कर रहा हो, कभी कुछ बताया उसने कभी आपको ऐसा? 22 तारीख को आया था, और सर इस तरीके से बच्चे गायब होने लगे, तो फिर तो कोई भेजने का ही ना, किसी कोचिंग के लिए, किसी उसके लिए गाँव से क्यों बच्चे को भेजेगा जब इस तरीके से बच्चे गायब होने लगे यहाँ पे, तो ऐसे कौन भेजेगा? फिर हम भी गाँव से आए हैं, सब परेशान है, 4 दिन हो गए आज कोई यहाँ सुनने को, क्योंकि हम तो गांव से कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाना कहाँ नहीं आना।
और पुलिस का काम तो पुलिस से भी कई जगह से भी प्रेशर डलवा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही। तो क्या आज पाँच चौथा दिन हो गया, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलना चाहिए था। हाँ जी सही बात है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सब लोग घर पर भी दुखी और पूरा गाँव परेशान है। अब ऐसे तो पूरा गाँव भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ आके भी क्या करें। तो काम तो सारा पुलिस को करना है, और अभी हम थाने चलेंगे हम लोग, ठीक है, और जाके पता करेंगे भाई हमारे, हमने जो एप्लीकेशन दी उस पर क्या कार्रवाई करेंगे लोग। ठीक है सर, हमारे लिए तो जान जान जगह है, आप लोग मीडिया वाले सहयोग करोगे, पुलिस सहयोग करेगी, हम तो आपके आश्वासन के लिए कि आपका आपका ही देख रहे हैं कि किस तरीके से आप हमारी मदद करोगे। हम तो यहाँ भटक रहे हैं, हमारा बालक खुआ है तो हम अपने बच्चे को ढूंढते हुए भटक रहे हैं। नहीं, पाँच दिन पहले आपका बेटा पढ़ने आया था यहाँ पर, पाँच दिन में लापता, ऐसी क्या बात थी आखिर, कोई कभी उसने कुछ बताया हो कभी तुम्हें कि जी मुझे यहाँ कोई परेशान कर रहा है या कुछ धमका रहा है? ये नया शहर था बच्चे का, पाँच दिन में आप किसको जान जाओगे, यहाँ किसी भी जान जाओगे? नहीं जानोगे। दो दिन लड़का कोचिंग भी गया, ऐसी बात नहीं है, तीसरे दिन में उसने छुट्टी कर ली थी, चौथे दिन जो फ्लैट से अपने जहाँ रूम ले रखा किराए पर वहाँ से कोचिंग के लिए आप निकला, एक किलोमीटर की दूरी है जो है यहाँ पे गांव कोचिंग से और मकान की दूरी एक किलोमीटर की, एक किलोमीटर की दूरी है। इतने में ये बच्चा लापता हो जाता, जो सोसाइटी का गेट है वहाँ से बच्चा निकलता दिखाया जा रहा है, तो आगे तक कोचिंग तक नहीं पहुँचा बच्चा, कोचिंग तक आया नहीं, यहाँ आके पता करा कोचिंग वाले से, वो कह रहा कि जी यहाँ तो बच्चा आया नहीं। तो ये थोड़ी है कि जो आम बच्चा जो बाहर के, अभी किसी मंत्री का बच्चा पूछा मिनट में, जो 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतने में ढूंढ को उसके हाथ में दे देंगे ये लोग बाबू जी। मतलब कहने का मतलब है गरीब गरीब लोग क्योंकि गरीबों के लिए चाह रहे हैं कि राजा मोदी है जो इनकी क्या सुनवाई है, चलो छोड़ कर अगर किसी अधिकारी का भी पूछा तो देखो कैसी गाड़ी घूमने चाह रहे हो उनको। आज पाँच दिन हो गए जो भूखे प्यासे यहाँ आदमी पड़ा है, ये अमरोहे के आदमी यहाँ आकर पड़े हैं 120-130 किलोमीटर दूरी के, इन्हें ये किसे जाने हैं? रात को रोड़ों पर लौट जाते हैं तो आवे और कैसे लौट रहे, जाओ मतलब जाओ वहाँ जाओ फलाना जाओ, ये टेम्पल चिपका रहे थे बच्चे का उसको भी कह रहे हैं अरे यहाँ कौन धुलाई करेगा, ये क्या मतलब है सरकार का? सरकार आदमी जनता से है या जनता सरकार से है? सरकार तो जनता से ही है, अगर जनता की अगर सरकार ना सुनेगी तो फिर जो ऐसी सरकार का फायदा क्या है? कुल मिला के ये कि प्रशासन से आपको मदद नहीं मिल रही है, भी नहीं मिल रही, पुलिस आपकी मदद भी नहीं कर रही है, और आपने एप्लीकेशन में दी लेकिन उस माध्यम से कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी का। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।